हेलो नी मेरे बॉस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासरूम ऑफ डिलाइट सीजन 1 एपिसोड नंबर 10 की। एपिसोड की शुरुआत उसी व्हाइट रूम से होती है जहां कि हम अयानो को उसे उसके जैसे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं किसी टेस्ट के दौरान और कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए थे। अयानो को उसी ने अपने टेस्ट पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा होता, तभी एक इंसान उसके पास आकर कहता है कि कियो तका इस बात को याद रखना, आत्मी ताकत होते हुए भी उसे इस्तेमाल ना करना ये एक बेवकूफ की निशानी है। फिर सीन वापस उसी आइसलैंड टेस्ट के डे 2 पे शिफ्ट होता है। अयानो को उसी बैठ कर उसी छोटी सी रिवर को देख रहा था, तभी वो सूदो की आवाज सुनता है जो कि कुछ मछलियां पकड़ कर लाया था और कुशीदा भी जंगल से कुछ फल लेकर आई थी। यूसुके उनके काम की तारीफ करता है और फिर उन्हें आगे काम देता है जिनसे कि वो लोग अपने पॉइंट्स बचा सके। अगले सीन में हम अयानो कुशी और होरिकिता को देखते हैं कहीं जाते हुए और उनके हाथ में एक मैप जैसा कुछ था जिसपे की बाकी सेक्शंस के बेस लोकेशंस डिनोटेड थे। होरिकिता कहती कि मुझे ताज्जुब हो रहा है तुम्हें ऐसे काम करते हुए देखते हुए। इस पर अयानो कुशी कहता है कि वैसे ही मेरे पास कोई अच्छा काम करने के लिए था नहीं, तो मैं बस अपना टाइम पास कर रहा हूँ और तुम तो उल्टा क्लास सी के टारगेट में हो। होरिकिता इस पे हाँ में अपना सर हिलाती है। वे लोग पहले क्लास बी के पास गए थे जिसमें कि इचिनो से थी। इचिनो से उन्हें अपने बेस के बारे में बता रही थी जिसे सुनकर की होरिकिता कहती है वाह तुम्हारा बेस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा और यहाँ पे लोग कितने डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। इचिनो से हंसते हुए कहती है अरे नहीं ऐसा नहीं है, पहले हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी मगर अब हम धीरे धीरे करके उन सभी चीजों को सही करने का ट्राई कर रहे हैं। तभी उनके पास एक दूसरा स्टूडेंट आते हुए कहता है कि क्या मेरे लिए भी कोई काम है। इचिनो से उसे जाकर बाकियों की मदद करने को कहती है। होरिकिता कहती है कि ये तुम्हारे क्लास का नहीं लग रहा था, आखिर ये है कौन। इचिनो से बताती है कि उसका नाम है कानते, एक लड़ाई के चलते उसे क्लास सी में नहीं रहने दिया गया और अब वो हमारी हेल्प कर रहा है। इचिनो से को कुछ काम याद आ जाता है इसलिए वो भी वहाँ से चली जाती है। होरिकिता कहती है कि मुझे ये मानना पड़ेगा मगर ये लोग हमसे कहीं ज्यादा आ गए। फिर वे लोग वहाँ से क्लास ए के कैंप पे जाते हैं। होरिकिता झाड़ियों में छुपकर उन लोगों को देखने की कोशिश कर रही थी। अयानो को जी कहता है कि यहाँ बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, भले ही वो क्लास ए है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पीछे हट जाएं, और वो सीधे उनके पास जाने लगता है। एक स्टूडेंट पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। होरिकिता कहती है कि हम बस ऐसे ही घूमने आए हैं और वो उसके अंदर जाने लगती है। लड़का उसे रोकते हुए कहता है कि इस जगह को क्लास ए ने ऑक्यूपाई कर रखा है इसलिए तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। होरिकिता कहती है कि मुझे पहले से पता है कि मैं किसी ऑलरेडी ऑक्यूपाई किए गए स्पॉट को इस्तेमाल नहीं कर सकती मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वहाँ जाकर देख भी नहीं सकती। तभी अंदर से कात्सुरा के निकलते हुए पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। होरिकिता कहती है कि मैं बस देखना चाहती हूँ कि अंदर क्या है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे रूल्स के अगेंस्ट है। कात्सुरागी उसे उल्टा धमकाते हुए कहता है कि देख लो मगर इसके बाद जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना। एक क्लास किसी स्पॉट पे कब्जा करता है और वो टेस्ट के खत्म होने तक उसे प्रोटेक्ट करता है, अगर तुमने इस रूल को तोड़ने की कोशिश की तो फिर सीधे वॉर होगा। और हम उसी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनके हाथ में की लकड़ियां थी और वो लोग हमला करने को तैयार थे। अयानो कुशी और होरिकिता वहां से निकलकर क्लास सी को देखने जाते हैं जो कि अपने पूरे समर वेकेशन को पूरे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर होरिकिता भी शॉक्ड थी। तभी एक स्टूडेंट उनके पास आते हुए कहता है कि रुवेन ने तुम लोगों को बुलाया है। होरिकिता रुवेन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पूरे के पूरे पॉइंट्स एक ही दिन में उड़ा दिए। जब एक लीडर अच्छे से अपने काम नहीं करता तो उसके नीचे वाले लोग ही पिसते हैं। इस बात पर रुवेन को गुस्सा आता है इसलिए वो अपने क्लासमेट को बुलाकर उसके सर पर वो जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था उसे पूरा का पूरा उजल देता है। आगे वो कहता है कि सिर्फ 100-200 पॉइंट्स के लिए तुम लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, सिर्फ ये बात सोचकर ही मुझे हंसी आती है। अगर हम लोग एक समर वेकेशन पे आए हैं तो फिर हम लोग उसे बिना एंजॉय किए हुए कैसे जा सकते हैं, ये मेरा काम करने का तरीका है। होरिकिता कहती कि तुम्हारा जो मन तुम वो करो, तुम्हारे ऐसा करने से उल्टा हमें ही फायदा हो रहा है। वो वहाँ से जाते जाते कहती है कि तुम इबुकी को जानते हो ना, उसका फेस पूरी तरीके से सूजा हुआ था, तुमने उसके साथ क्या किया। रुवेन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हुए कहता है कि एक रूलर को उसके ऑर्डर ना मानने वाले नौकर नहीं चाहिए, तो उसके साथ वही हुआ जो कि सही था। वैसे भी मैंने अपने पूरे के पूरे पॉइंट्स पहले दिन इस्तेमाल कर चुके हैं तो अब उसके साथ जो भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक ये रूल था कि अगर तुमने 300 पॉइंट्स पूरे के पूरे खर्च कर दिए तो फिर तुम नेगेटिव में नहीं जा सकते। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं मगर रुवेन होरिकिता को उल्टी सीधी बातें बोलकर उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। उसकी बातें सुनकर होरिकिता पूरी तरीके से चिढ़ जाती है। अच्छा हाँ, उसके पास जो रेडियो है ना उसे याद रखना। वापस जाते हुए होरिकिता कहती है कि उसके इस बिहेवियर से उल्टा हमें ही फायदा हो जाएगा, अब उसके पास पॉइंट्स तो बचे हैं नहीं तो अब वो पूरे वीक सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अयानो को रिप्लाई करते हुए कहता है कि वो पूरे हफ्ते रहने का सोच ही नहीं रहा है, जैसे कि कोइंजी ने किया था वैसे ही वो भी ये बोल देगा कि वो बीमार है या फिर वो कोई और बहाना मार के सिप पे वापस चले जाएंगे, ऐसे करके वो पूरे समर वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। ये सुनकर होरिकिता शॉक्ड हो जाती है। एनगुजी अपने मन में कहता है कि 0 पॉइंट स्ट्रेटेजी, ये तो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। फिर हमें डे 3 को दिखाया जाता है। रात का समय था और हमें एक परछाई दिखाई जाती है जो कि गर्ल्स के टेंट में जाकर एक बैग में से किसी का अंडरवियर चोरी कर लेता है। चोर की शक्ल हमें नहीं दिखाई जाती। ऐसे ही डे 4 भी आ जाता है और वे लोग पूरे तरीके से नेचर में एंजॉय कर
कर रहे थे। हम अयानाकोजी और साकुरा को देखते हैं जो कि बाकी क्लासेस के कैंप को देखने जा रहे थे वापस से। अयानाकोजी उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि बाकी लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। साकुरा कहती है कि मुझे उससे कोई परवाह नहीं, जब मैं इस ट्रिप की तैयारी कर रही थी तो मुझे पता था कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए मुझे मजा नहीं आने वाला, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आकर सही किया था। अयानाकोजी हाँ में अपना सर हिलाता है और वो एक दूसरी तरफ देखने लगता है। साकुरा कहती है कि बहुत ही बुरी बात है कि मेरे पास अभी कोई कैमरा नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी मैं एक बहुत ही अच्छी पिक्चर ले सकती थी। वे लोग क्लास सी को देखने जाते हैं, मगर क्लास सी वापस शिप पे चले गए थे जैसा कि अयानाकोजी ने सोचा था। वहाँ पे क्लास बी की इचिनो से भी आई थी। कात्सुरागी के बारे में इचिनो से कुछ जानकारियां लेने के बाद अयानाकोजी और साकुरा वापस से अपने बेस पे चले जाते हैं। क्लासिक के सिप पे वापस जाने वाली बात सबको पता चल जाती है और सब इस पे बातचीत कर रहे थे। कुशीदा इबुकी के पास जाकर उससे पूछती है कि अब तुम क्या करने वाली हो। इबुकी कहती है कि मैं उन लोगों को देखना भी नहीं चाहती, इसीलिए मैं यहीं रहूंगी। पीछे से सुदू आते हुए कहता है कि तुम्हारी बातें मुझे सस्पिशियस लग रही है, क्या तुम्हें अभी जो भी हो रहा उसके बारे में कुछ पता है? मगर इबुकी कुछ भी पता होने से सीधे मना कर देती है। वो वहां से जाने लगती है मगर सुदू उसे रोकता है, जिस पे कि वो और ज्यादा चढ़ जाती है। सुदू कहता है कि तुम्हारा ये कैसा एटीट्यूड है, हम लोगों ने तुम्हारी मदद की तो तुम्हें भी इसके ले हमारी थोड़ी मदद करनी चाहिए। इस पर इबुकी रिप्लाई देते हुए कहती है मगर मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था मदद करने को। सुदू गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है मगर पीछे से बाकी लोग उन्हें छुड़ाने आते हैं। युसुकी कहता है कि अभी दोस्तों में लड़ने का टाइम नहीं है, इसलिए शांत हो जाओ तुम दोनों। इबुकी कहती है कि दोस्त तुम लोग एक अनजान पे कितना भरोसा करते हो, और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर हम डे 5 को देखते हैं जहां की सभी बॉयज खर्राटे मारकर सो रहे थे, मगर उन्हें बाहर से गर्ल्स चिल्ला चिल्ला कर उठाती है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। युसुकी के पूछने पे भी सभी लोग बताते हैं कि हम लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। इस सुबह कारुइजाबा का अंडरवियर गायब हो गया, वो अभी हमारे टेंट में बुरे तरीके से रो रही है। ईके कहता है तुम हम पे क्यों शक कर रही हो। वो लड़की कहती है कि ये बात साफ है कि तुम लोगों ने ही उसे रात में चुरा लिया। इस पे सुदो कहता है कि ये काम पक्का उस इबुकी ने किया होगा। वी सभी लोग इस बात पे लड़ने लगते हैं कि चोर आखिर कौन है। युसुकी उन सभी को शांत करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये काम किसी लड़के ने किया है। वो लड़की युसुकी के पास जाते हुए कहती है कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, मगर सबसे पहले सभी बॉयज का बैग चेक किया जाए। अब युसुकी को भी उनकी बात माननी पड़ती है, मगर वो कहता है कि उनकी प्राइवेसी को सेफ रखने के लिए मैं उन लोगों का बैग चेक खुद करूंगा। बॉयज में सभी अपने अपने बैग को लेकर एक लाइन में खड़े थे। सुदू गुस्सा था क्योंकि गर्ल्स के पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि ये काम किसी लड़के ने किया है। फिर हम ईके को देखते हैं जो कि अपने बैग के अंदर देखकर चौंक जाता है। अयानाकोजी पूछता है कि क्या हुआ, और यमाउची पीछे मुड़ते हुए कहता है कहीं तुमने ही तो नहीं चुराया उन्हें। ईके कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया, मगर यमाउची उसकी बात नहीं सुनता और उसके बैग में हाथ डालकर खोजने लगता है, और उसी के बैग से वो अंडरवियर निकल जाता है। यमाउची कहता है कि तुम तो रंगे हाथों पकड़े गए। ईके उसे समझाने में लगा था कि मैं नहीं था, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, पता नहीं कैसे हुआ मगर ये मेरे बैग में खुद से आ गया। उसकी कंडीशन देखते हुए अयानाकोजी कहता है कि अगर तुम सच में चोर होते तो तुम इतने बेवकूफ नहीं होते कि तुम उसे वहीं छोड़ दो। वो लोग वहीं पे बैठकर बातचीत कर रहे थे, इसलिए सुदो आवाज लगाकर कहता है कि जल्दी से आगे लाइन में आओ। ईके बहुत ज्यादा डेस्परेट था, और क्योंकि वो अंडरवियर अभी यमाउची के पास था इसीलिए वो उसे वापस ईके के हाथ में पकड़ा देता है, और ईके उसे उल्टा अयानाकोजी को दे देता है। अयानाकोजी उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। बैग सर्चिंग कम्प्लीट हो चुका था और युसुकी गर्ल्स को बताता है कि किसी के पास भी अंडरवियर नहीं थी, मगर लड़कियां अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो लड़की कहती है कि जिसने भी चोरी की है वो बहुत ही बड़ा ठरकी होगा, तुम्हें नहीं पता कि वो उसे कहाँ रखे हुए होगा, इसीलिए तुम्हें लड़कों के पूरे कपड़े को सर्च करना चाहिए। अब यहाँ अयानाकोजी सिचुएशन में बुरे तरीके से फंस गया था। लड़कों के कपड़ों की भी छानबीन शुरू की जाती है। अयानाकोजी के बारे आने पे उसे पता था कि अब वो पक्का फंसने वाला है, मगर उसके पॉकेट में अंडरवियर को फील करने के बाद भी युसुकी चुप रहता है और उसका नाम नहीं लेता। उल्टा वो कहता है कि अयानाकोजी भी नहीं है इसके पीछे, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके पीछे कोई भी बॉय शामिल नहीं है। होने पे सभी लोग कुछ न कुछ अपने काम में लगे थे। अयानाकोजी युसुकी के पास जाते हुए कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो, और उसे बात करने के लिए साइड में लेकर जाता है। सीधे पॉइंट पे आते हुए वो कहता है कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। युसुकी उससे पूछता है कि क्या तुमने ही उसे चुराया था। उसके ना कहने पर युसुकी कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम उस तरीके के लड़के नहीं हो जो कि ऐसा काम करे, क्या तुम प्लीज उस अंडरवियर को मुझे दोगे। अयानाकोजी अपने पॉकेट से उसे निकाल कर दे देता है। युसुकी कहता है कि मैं इसे वापस कर दूंगा, आखिर में मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि ये तुमने नहीं किया है, मगर प्लीज क्या तुम असली चोर को खोजने में मेरी मदद करोगे। अयानाकोजी हाँ करते हुए कहता है कि मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। युसुकी इस पर रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर तुमने मुजरिम को खोज भी लिया तो प्लीज
सबसे पहले मुझे बताना, मेरे अलावा किसी और को नहीं। एनकोजी कहता है कि क्या तुम सच को दबाना चाहते हो। युसुके कहता है कि कुछ वैसा ही, मगर अब चाहे किसी ने भी ये काम किया हो, मैं इसे सबके सामने नहीं आने देना चाहता, क्योंकि ऐसा होने पे बाकी लोगों का भरोसा एक दूसरे से उठ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो असली चोर को खोजने में। आखिर किसने की है ये चोरी और क्या एनकोजी इस टेस्ट में बाकी सबको हरा पाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। दोस्तों मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जो कि ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन करता है, उसका चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद।